इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ऐसा कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया जिससे इतना सुपर्ब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अगर आप भी मोटिवेटेड हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये डाइट प्लान आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए। सो हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग फिट फूड मंत्रा एंड आई एम डाइटिशियन शिखा। तो आज मैं लेकर आई हूँ Day 3 डाइट प्लान। ये एक समर डाइट प्लान भी है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और आपके बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ये डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप Day 1 और Day 2 डाइट प्लान देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वहाँ जाके आप उस डाइट प्लान को देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सभी में कितने लोग ये सोचते हैं कि कल से डाइट स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक से डाइट स्टार्ट करूंगा या नेक्स्ट मंथ से। बर्थडे आ रहा है, पहले उसमें एंजॉय कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे, या नवरात्रा खत्म हो जाता है फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप आज से और अभी से एक हेल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये एक समर डाइट प्लान है और समर सीजन में एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी जल्द ही डिहाइड्रेट हो जाता है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। पानी या कोकोनट वाटर या फिर आप डिटॉक्स वाटर या मिंट वाटर ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, आपको कोक सोडा ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें होता है एम्प्टी कैलोरीज और उससे आपका वेट लॉस के बजाय वेट गेन हो जाएगा। तो आज से ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना इंक्लूड करें जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी ना हो। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिकली एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप 30-35-40 मिनट्स नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, होम बेस्ड वर्कआउट कर सकते हैं या जिम जाके भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे कि आपका कैलोरी बर्न हो। क्योंकि जब आप कैलोरी बर्न करते हैं तो वो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करेंगे उतना अच्छा आपका वेट लॉस होगा। तो चलिए बिना देर किए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और क्या मैं दूंगी आपके अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग में, वो मैं अपने किचन चल के आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको दिया है मिंट बेसल सीड्स वाटर, और ये आपको लेना है खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक। यहाँ मैंने 10 से 15 मिंट लीफ लिया है और उसका पेस्ट बना लिया ताकि ये प्रॉपरली हमारे पानी में मिक्स हो सके। अब मैं लूँगी एक ग्लास वार्म वाटर और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून बेसल सीड्स मिंट पेस्ट और 1/2 लेमन जूस। सबसे ख़ास बात इस ड्रिंक की ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल होता है। सो ये बहुत ही सुपर्ब होता है हमारे हेल्थ के लिए और ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करता है। इसे मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट ढककर छोड़ दे और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दूंगी सुपर हेल्दी प्रोटीन पोहा, और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप किसी भी तरह का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि आपको कच्ची घानी ऑयल ही यूज़ करना है। यहाँ मैंने यूज़ किया है क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स और चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली। थोड़ा सौते करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स को बनाने के लिए आप इसको ओवरनाइट सोक जरूर करें। यहाँ मैंने मूंग और चना का स्प्राउट्स लिया है, आप या तो सिर्फ मूंग या फिर सिर्फ चना का भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे मसाले, टर्मरिक मसाले आप अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट आप
थोड़ा कम ही यूज़ करें, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। जितना डेंजरस हमारी हेल्थ के लिए शुगर होता है, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस हमारी हेल्थ के लिए सॉल्ट होता है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 बार पानी से, और उसे मैंने यहाँ स्प्राउट्स को सौते करने के बाद ऐड कर दिया है। इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दे और गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पीनट्स यूज़ किया है। पीनट्स भी प्रोटीन रिच होता है, बट आपको 1 हैंडफुल पीनट्स ही लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पीनट्स लेंगे तो हेल्दी फैट भी ज़्यादा लेने की वजह से वेट लॉस के बदले वेट गेन हो जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, आप अपने डाइट में सैलड को ज़रूर ऐड करें, कम ही क्वांटिटी में लेकिन आप ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने 2 कैरेट कट करके लिया है। आप कैरेट ले सकते हैं या किसी भी तरह का कोई भी सैलड ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में मैं आपको दूंगी मिंट सत्तू ड्रिंक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून सत्तू लिया है, 20 से 25 फ्रेश मिंट लीफ लिया है, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है, 1/4 टेबलस्पून मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है, 1/2 लेमन जूस लिया है, और इसके बाद पानी ऐड करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वो भी एक मेन इंग्रेडिएंट है। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसे ग्राइंड कर ले, और ग्राइंड करने के बाद ये अमेजिंग सत्तू ड्रिंक रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है और कितना यमी है। आप घर में बच्चे हो या बूढ़े, सबको ये ड्रिंक दे सकते हैं। प्रोटीन रिच होता है, आयरन रिच होता है, और बहुत ही समर में कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं अपने सभी वीडियो में आप सबको कहती हूँ कि आप अपने मील्स को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर देखने को मिलेगा। तो आज से ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें। आप लोग हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि कितना पानी लेना चाहिए, वेट लॉस में कितना पानी पीना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि 3 लीटर वाटर आपको डेली लेना है। अगर आपको याद नहीं रहता या फिर आप भूल जाते हैं पानी पीना, तो आप अपने फ़ोन में या आप अपने वॉच में रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, और 1-1 घंटे के इंटरवल में आप 1-1 ग्लास पानी पी सकते हैं। ऐसे में आपका पानी का इंटेक भी फुलफिल हो जाएगा पूरे दिन में, और आप भूलेंगे भी नहीं। इस डाइट प्लान को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। Day 1, Day 2, Day 3 तीनों ही डाइट प्लान को आप फॉलो करके अपना एक सुपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। अगर आपका वेट लॉस ना हो तो आप आके मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताइए कि वेट लॉस नहीं हुआ, और अपना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप टाइमिंग को फॉलो जरूर करें, जो कि मैंने आपको दिया है आपके ब्रेकफास्ट का, लंच का, इवनिंग स्नैक्स का और डिनर का। इस टाइमिंग को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अगर आप टाइमिंग फॉलो नहीं करते और लंच आपको करना है 12 से 1 के बीच में और आप कर रहे हैं 2 से 3 के बीच में, तो ऐसे में वेट लॉस नहीं हो पाएगा, वेट स्टक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं किचन में और बाकी के रेसिपीज़ को बनाते हैं, जो कि मैं आपको दूंगी लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और बेड टाइम में। लंच में आज बनेगा वेजिटेबल फ्राइड राइस, और इसके लिए मैं यहाँ बासमती राइस को बॉईल कर लूँगी। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम वेजिटेबल सौते कर लेंगे। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए 2 टेबलस्पून ऑयल मैं यहाँ यूज़ करूँगी। अगर आप 1 लोगों के लिए बनाते हैं तो 1 टेबलस्पून इनफ होता है। यहाँ मैंने ऐड किया है क्यूमिन सीड्स और करी पत्ता, इसके बाद चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा गार्लिक, अगर आपको जिंजर पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली। इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे।
उसके बाद अब जितने भी वेजिटेबल आपके पास हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल है लाइक ग्रीन पी, ब्रोकली, मशरूम, आप वो सब भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाले ऐड किए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और टर्मरिक और सॉल्ट को ऐड करना ना भूलें, सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे और ध्यान ये रखना है कि थोड़े थोड़े देर पे आप इसे चलाते रहे ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि कम ऑयल यूज़ करने की वजह से ये जल्दी ही नीचे चिपकने लगेगा, लेकिन थोड़े थोड़े देर पे चलाना है जिससे कि ये प्रॉपर्ली फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। और एट लास्ट मैं यहाँ डालूँगी बॉइल्ड राइस। इसे प्रॉपर्ली मिक्स कर ले और आप हमारा रेडी हो जाता है ये फ्राइड राइस। और हाँ, इसके साथ मैं आपको दूंगी रायता, और रायता होगा हमारा कुकुम्बर रायता। तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे बनाएंगे कुकुम्बर रायता। कुकुम्बर मिंट रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है हाफ कुकुम्बर, 10 से 15 मिंट लीफ, और इन दोनों ही चीज़ों को हम फाइन चॉप कर लेंगे इस चॉपर की मदद से। अब यहाँ मैंने लिया है हाफ बोल कर्ड। एक बोल रायता के लिए हाफ बोल कर्ड इनफ होता है। थोड़ा वाटरी है ये कर्ड, तो आप इस टाइप का ही कर्ड यूज़ करें रायता में, क्योंकि रायता थोड़ा सा थिन ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है कुकुम्बर एंड मिंट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर्ली मिक्स कर ले और रेडी हो जाता है फटाफट से ये कुकुम्बर मिंट रायता। है ना कितना इजी बनाना इसे। और आप लोग कहते हैं कि बहुत ही टफ़ है, कैसे मैनेज करें डाइट को, तो डाइट को बनाना बहुत इजी है अगर आप इसे प्रॉपर्ली और एक प्लान के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस डाइट प्लान को शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके और वेट लॉस कर सके। गर्मियों में वाटरमेलन नहीं खाया तो क्या खाया। और वाटरमेलन कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है तो आप गिल्ट फ्री होकर वाटरमेलन को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सुपर्ब होता है, बॉडी को कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है, फैट फ्री होता है, सोडियम बहुत ही कम होता है। अगर इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो 1 कप वाटरमेलन में 46 कैलोरीज, 0.2 ग्राम फैट, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो कि एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है, 0.6 ग्राम फाइबर और 0.9 ग्राम प्रोटीन होता है। रात के डिनर में मैंने आपको दिया है टोमेटो सूप। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। तीनों को मैं फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली इसको पका लूँगी। अगर आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं या बॉईल करके भी बना सकते हैं। मुझे पका हुआ टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और उसका सूप बहुत ही यमी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। जब ये तीनों ही प्रॉपर्ली पक जाएं, आपको बीच बीच में इसे पलटते रहना होगा सो दैट ये सभी साइड से प्रॉपर्ली ये पक जाए। आप देख सकते हैं ये पक गया और अब मैं इसके स्किन को यानी इसके छिलके को रिमूव कर दूंगी क्योंकि वो जल चुका है। अब इसकी प्यूरी बनाएंगे, ग्राइंडर में डाल दें और इसे ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लें। आप देख सकते हैं प्यूरी रेडी है, थोड़ा थिक है तो बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून घी लिया है
इसे हीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, गार्लिक, ग्रीन चिली और करी पत्ता। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली पक चुका है और यहाँ पर जो प्यूरी है टोमेटो की वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर डालूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक था और मुझे थोड़ा थिन सूप ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सॉल्ट, थोड़ा गरम मसाला और एट लास्ट इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। बस इस सूप को 2 मिनट बॉईल होना है और ये रेडी हो जाएगा हमारे खाने के लिए। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब अपने डिनर प्लेट में मैं यहाँ पर ऐड की हूँ थोड़ा कुकुम्बर सैलड, 1 बोल सूप और 2 एग। एग आप ज़रूर इंक्लूड करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग के बदले 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं, क्योंकि एग और पनीर दोनों में ही प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। यहाँ पर मैं कोई क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ सूप में, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर्ड ऐड किया है फॉर गार्निशिंग। बेड टाइम में मैं आपको दूंगी 1 कप कैमोमाइल टी और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप वार्म वाटर। इसमें मैं ऐड करूंगी इस टी बैग को, 1 से 2 मिनट तक डिप करके छोड़ दें, आपका रेडी हो जाएगा कैमोमाइल टी, जिसे लेना है आपको सोने से तुरंत पहले। ये इंसोम्निया के लिए, यानी जिसे नींद की प्रॉब्लम होती है उनके लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होता है। और ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए, स्किन के लिए, थायराइड के लिए, PCOD के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब माना जाता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जब आप डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद अक्सर लोग या तो सोफ़ा पे लेटकर टीवी देखने लगते हैं या फिर बेड पे जाके लेटकर फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी जो कि आपको हमेशा फ्यूचर में भी ध्यान रखना है, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खाना खाने के तुरंत बाद, डिनर के तुरंत बाद लेटना नहीं है। आप थोड़ा सा वॉक जरूर करें, लाइक 15 से 20 मिनट आप वॉक करें। आप घर में कर सकते हैं, बाहर जाके कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन वॉक जरूर करें। और उसके बाद आप चाहे तो लेट सकते हैं, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उसके बाद अगर हम किसी बैड पोजिशन में बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो उससे डाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें अगर आप फास्ट वेट लॉस चाहते हैं तो। सो आई होप आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा होगा। इस डाइट प्लान को और इसके साथ साथ Day 1 और Day 2 डाइट प्लान को भी आप फॉलो करके अपना एक सुपर रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और अपना ट्रांसफॉर्मेशन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या इस डाइट के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ सवाल है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना वेट लॉस कर सके। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।